तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनहानी के कानून के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनहानी का अधिकार क्या है एवं कौन कौन से टिप्पणी मनहानी माने जाएंगे और मनहानी के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई किया जा सकता है, तो दोस्तों चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मनहानी क्या है। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना, अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना, पति या पत्नी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से किसी और के बारे में कोई अपमानजनक बात कहना, अफवाह फैलाना या अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करना मनहानी माना जाएगा। मनहानी के प्रकार क्या हैं? मृत व्यक्ति को कोई ऐसा लांछन लगाना जो उस व्यक्ति के जीवित रहने पर उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाता है और उसके परिवार या निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। किसी कंपनी, संगठन या व्यक्तियों के समूह के बारे में भी ऊपर लिखित बात लागू होती हैं। किसी व्यक्ति पर व्यंग के रूप में कही गई बातें, मनहानिकारक बात को छापना या बेचना, ये सभी मनहानी के दायरे में आता है। तो दोस्तों सच्ची टिप्पणी मनहानी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति के बारे में अगर सच्ची टिप्पणी की गई हो और वह सार्वजनिक हित में किसी लोक सेवक के सार्वजनिक आचरण के बारे में हो अथवा उसके या दूसरों के हित में अच्छे इरादे से की गई हो अथवा लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगाह करने के लिए हो तो इसे मनहानी नहीं माना जाएगा। मनहानी के लिए क्या कार्रवाई किया जा सकता है? मनहानी के लिए आप आपराधिक मुकदमा चलाकर मनहानी करने वाले व्यक्तियों और उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को न्यायालय से दंडित करवा सकते हैं। यदि मनहानी से किसी व्यक्ति की या उसके व्यवसाय की या दोनों को कोई वास्तविक हानि हुई है तो उसका हर्जाना प्राप्त करने के लिए दीवानी दावा न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है। मनहानी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दस्तावेजों के साथ सक्षम क्षेत्राधिकारी के न्यायालय में लिखित शिकायत करनी होगी। न्यायालय शिकायत पेश करने वाले का बयान दर्ज करेगा। अगर आवश्यकता हुई तो उसके एक दो साथियों के भी बयान दर्ज करेगा। इन बयानों के आधार पर यदि न्यायालय समझता है कि मुकदमा दर्ज करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है तो वह मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी करेगा। आपराधिक मामले में जहां नाम मात्र का न्यायालय शुल्क देना होता है, वहीं हर्जाने के दावे में जितना हर्जाना मांगा गया है उसके पास से 7.50% के लगभग न्यायालय शुल्क देना पड़ता है, जिसकी दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। मनहानी के मामले में वादी को केवल यह सिद्ध करना होता है कि टिप्पणी अपमानजनक थी और सार्वजनिक रूप से की गई थी। दुर्भावपूर्ण अभियोजन से बचाव। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को अभियुक्त को बना दिया जाए और वह सिद्ध कर सके कि उसे बदनाम या ब्लैकमेल करने जैसे इरादे से उसके खिलाफ अभियोग लगाया गया था तो वह अदालत में मामला दर्ज कर अभियोग लगाने वाले से मुआवजा मांग सकता है। यह दावा मानसिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से चोट की भरपाई के लिए हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरे इरादे से सिविल मुकदमे में फंसाया जाए तो वह मामला दर्ज कर मुआवजे की मांग कर सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मनहानी के बारे में पूरी जानकारी मिल गए होंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसा लगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंचायत स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।